और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। गुजरात में 10,000 डॉक्टर हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई। गुजरात में डॉक्टरों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में दिक्कत हो गई। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई। यहाँ के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं व्यापक स्तर पर प्रभावित हैं। दरअसल गुजरात में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के कम से कम 10,000 सरकारी डॉक्टरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। डॉक्टर संविदा नेताओं को नियमित करने, सरकारी अस्पतालों और PSC में चिकित्सा सेवाओं सुधारने सहित अपनी कई लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार ने वादा किया था कि हमारी मांगे 31 मार्च 2022 तक मानी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार के आश्वासन के बाद हमने अपनी हड़ताल रद्द कर दी थी, लेकिन ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया। GMTA के महासचिव डॉक्टर जयेंद्र मकवाना ने कहा, हमें जल्द ही आदेश के बारे में कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ऐसे में हमारे पास हड़ताल का सहारा लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हड़ताल के पहले दिन राज्य के स्वास्थ्य विभाग, गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी द्वारा संचालित सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में सेवाएं चरमरा गई। हड़ताल के कारण डॉक्टरों ने मरीजों को देखने से इनकार कर दिया। गुजरात मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश पटेल ने कहा कि राज्य भर में लगभग 10,000 सरकारी डॉक्टर मांगों के समाधान के इंतजार में सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसमें CSC, PSC, जिला अस्पताल, 6 मेडिकल कॉलेज और 9 GMERS कॉलेज आदि में तैनात सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। पटेल ने कहा कि हड़ताल पर गए डॉक्टर सातवें वेतन आयोग के अनुसार विधायक सेवाओं विभागीय पदोन्नति और NPO को जारी रखने और नियमित करने की मांग कर रहे हैं। GMTA के एक अन्य सदस्य ने कहा, सभी डॉक्टर पिछले नवंबर से अपनी मांगों को लेकर वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने कई बार प्रयास किया कि सरकार के साथ बातचीत के जरिए उनके मुद्दों का समाधान हो, लेकिन अभी तक उनका समाधान नहीं हो पाया। जगत न्यूज 24 से डॉक्टर जगत सिंह राजपूत की खास रिपोर्ट।